हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी SSSC के 4 अक्टूबर को जो धरना प्रदर्शन है इसके बारे में। दोस्तों, आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं यूपी SSSC के जो भी रिजल्ट बचे हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के। जैसा कि आप लोग को पता है कि इन लोगों ने अभी तक अपने चेयरमैन का चुनाव नहीं कर पाया है, न ही चेयरमैन बन पाए हैं और न ही इन लोगों के पास एजेंसी मिल पाई है कि ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाएँ। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में कई बार तो जैसा कि छात्रों द्वारा जो है आंदोलन हो चुका है, धरना प्रदर्शन, हर एक एग्ज़ाम के लिए धरना प्रदर्शन स्टूडेंट को करना पड़ रहा है। यूपी SSSC इतनी खराब आयोग बन चुकी है कि 7-8 साल से 10 साल से स्टूडेंट के फ्यूचर को एकदम खराब कर चुकी है, बर्बाद कर चुकी है। इसके भरोसे जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं वे लोग ओवर एज हो चुके हैं और अपनी भर्ती के एग्ज़ाम जो भी वे लोग तैयारी करते हैं उसके लिए वो बिल्कुल बिल्कुल निराश हो चुके हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने दोस्तों जो भी लोग यूपी SSSC की तैयारी करते हैं और जिनका भी रिजल्ट रुका हुआ है, चाहे आपका वो कंबाइंड टेक्निकल का हो या फिर वन दरोगा का हो, इन सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि 4 तारीख को सभी स्टूडेंट लखनऊ पिकअप भवन पे पहुंच रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 24 तारीख को भी स्टूडेंट द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन वहां से बस आश्वासन देकर हटाया गया। तो आपको फिर से आश्वासन देने की कोशिश होगी, लेकिन आप लोग डटे रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र 4 तारीख को यानी 4 अक्टूबर को पहुँचें, ये महा आंदोलन होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है कि सभी स्टूडेंट कम से कम जान जाएं कि 4 तारीख को क्या होने वाला है। 4 तारीख को यूपी SSSC पे, जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे सभी स्टूडेंट पहुँच रहे हैं, तो आप भी लोग पहुँचिए, जिससे इस जो कवर है, ये जो न्यूज़ है, हर तरफ से कवर किया जाए और न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर टीवी चैनल हो, सभी के द्वारा कवर किया जाए, जिससे यूपी SSSC का रवैया जो है हर एक को पता चल सके। क्योंकि ये लोग केवल आश्वासन देकर छात्रों को गुमराह कर रहे हैं और लगातार यही चीज़ें चलती चली आ रही हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए छात्रों को अपना एग्ज़ाम कराने के लिए, रिजल्ट लाने के लिए, फाइनल रिजल्ट लाने के लिए, हर एक के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो छात्रों की कुछ जो डिमांड होगी वो 4 तारीख को पता चल जाएगा कि कब तक एग्ज़ाम कैलेंडर होगा, कब तक क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें आप लोग को वहीं पर पता चलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और छात्रों को पहुँचाइए, क्योंकि 4 तारीख को महा आंदोलन है यूपी SSSC पे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठा होइए और अपनी जो भी डिमांड है उसको जरूर मांग कीजिए वहाँ पे जाकर। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि यदि ये लोग विज्ञापन भी निकालेंगे तो इनके पास 11,000 के आसपास जो है अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं। तो इस पर ये लोग कितना जल्दीबाजी करते हैं आपको पता ही है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहें। अब बात कर लेते हैं यूपी पुलिस के कांस्टेबल रिजल्ट की। जो भी स्टूडेंट कांस्टेबल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो लोग नवंबर तक मानकर चलें, इन लोग का अगले महीने में ये जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा, अगले महीने मतलब नवंबर में, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर तो कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग को 1 महीने का वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग यदि अभी भी रनिंग अपनी नहीं बना रहे हैं तो रनिंग बना लीजिए, आपके पास बहुत ज़्यादा मौका नहीं है। हो सकता है कि नवंबर लास्ट तक या फिर दिसंबर में आपकी रनिंग करवा ली जाए, तो आप लोग अपने तरफ से बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, ठीक है दोस्तों। नवंबर में आप लोग का रिजल्ट जारी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि उस बात को ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूपी SSSC आयोग पे पहुँचिए। धन्यवाद।